अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ए। टुडेज लेक्चर नंबर इज 2, चैप्टर नंबर 3, ब्रेड रैबिट ट्रिक्स ब्रेड फॉक्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अटेंटिवली सुनना है और जो मैं मुश्किल फ्राज के मायने बताऊंगी वो आप लोगों ने नीट वे में नोट डाउन करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर। पेज नंबर 14, चैप्टर नंबर 3, ब्रेड रैबिट ट्रिक्स ब्रेड फॉक्स। ब्रेड का मतलब होता है भाई, रैबिट का मतलब होता है खरगोश, ट्रिक्स कहते हैं चालों को, फॉक्स कहते हैं लूमर। वन जे ब्रेड रैबिट ब्रेड फॉक्स ब्रेड बियर एंड लॉट ऑफ देयर क्रॉनीज डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर टू प्लांट अ गार्डन फुल ऑफ कॉर्न। कॉर्न कहते हैं मकई को, गार्डन का मतलब होता है बाग, क्रोनीज कहते हैं साथी को, डिसाइडेड मतलब के फैसला करना, टुगेदर इकट्ठे, वर्क काम। एक दिन भाई खरगोश, भाई लूमर, भाई भालू और उनके बहुत से साथियों ने इकट्ठे काम करने का फैसला किया ताकि वो मकई का एक बाग तैयार कर सके। दे एग्रीड टू वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क इन द फील्ड टिल इट वॉज रेडी फॉर प्लांटिंग। डॉन टू डस्क का मतलब होता है सुबह से शाम तक, फील्ड का मतलब होता है खेतों में, रजामंद एग्रीड को कहते हैं। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करने पर रजामंद हो गए ताकि बाग जल्दी तैयार हो सके फॉर प्लांटिंग फसल के लिए। ब्रेड रैबिट गोट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थक गया, मच बिफोर द अदर्स डिड एंड ही वांटेड टू टेक अ नैप। नैप कहते हैं शॉर्ट स्लीप यानी कैलूला। भाई खरगोश सबसे पहले थक गया और उसने चाहा कि वो सो जाए। ही केप्ट वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब है यहाँ पे सोचता रहा। हाउ ही कुड फ्ली टू गेट सम रेस्ट, रेस्ट कहते हैं आराम को, फ्ली मतलब के भागना। वो सोचता रहा ताकि वो सोने का कोई बहाना तलाश कर सके। ही गॉट एन आइडिया, आइडिया कहते हैं ख्याल को, उसे एक ख्याल सूझा। एंड सडनली अचानक, और अचानक शॉर्टली मतलब कि चलाया, और अचानक चलाया आउच आउच। ही शॉर्टेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, टॉप ऑफ हिज वॉइस को कहते हैं शिद्दत से, वो शिद्दत से चलाया। आई गॉट मी अ थॉर्न इन माई हैंड, थॉर्न कहते हैं कांटा चुभना, मेरे हाथ में कांटा चुभ गया है। ही वेव्ड आउट अ पॉ एंड क्विकली स्टक इट इनटू हिज माउथ। स्टक कहते हैं दबाना, क्विकली मीन जल्दी से, पॉ कहते हैं पंजे को। उसने अपना पंजा हिलाया और उसको जल्दी से मुंह में दबा लिया। हिज फ्रेंड्स asked him to pull out the thorn before it got infected. Infected कहते हैं नुकसान को, इन्फेक्शन का जो शिकार होता है। उसके दोस्तों ने उसको कांटा निकालने का कहा इससे पहले कि वो उसके हाथ को नुकसान पहुंचा दे। ब्रेड रैबिट फाइनली गोट अ गुड एक्सक्यूज, फाइनली कहते हैं आखिरकार को, गुड मतलब कि अच्छा, एक्सक्यूज बहाना, टू मूव अवे जाने का एंड रेस्ट और आराम करने का। भाई खरगोश को आखिरकार एक अच्छा बहाना मिल गया वहां से जाने का और आराम करने का। ही लुक फॉर अ शेडी स्पॉट टू टेक अ क्विक नैप, शेडी स्पॉट कहते हैं सायादार जगह, ठीक है। उसने सायादार जगह को देखा ताकि वो वहां सो सके, टू टेक अ क्विक नैप ताकि वो वहां जाके जल्दी से सो सके। अ लिटिल फर्दर डाउन, लिटिल कहते हैं थोड़ा सा, डाउन मतलब नीचे, फ्रॉम वेयर ही स्टूड, स्टूड कहते हैं खड़ा हुआ। ही फाउंड एन ओल्ड वेल विद अ फ्यू बकेट डैंगलिंग इनसाइड इट, बकेट्स कहते हैं बाल्टियों को, ठीक है। फ्यू मतलब कि कुछ, डैंगलिंग लटकी हुई इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, ओल्ड कहते हैं पुराने को, फाउंड कहते हैं मिला। जहां वो खड़ा था, ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे
उसे एक पुराना कुआं मिला जिसमें चंद बाल्टियां लटकी हुई थी अंदर की तरफ. There was one bucket at the top and one down at the bottom of the well. एक बाल्टी कुएं के ऊपर जबकि एक बाल्टी कुएं के निचले हिस्से में थी. Red Rabbit said to himself. Himself कहते हैं खुद से. Said मतलब कहना. Red Rabbit ने खुद से कहा that looks like a cool place to take a nap. Cool कहते हैं ठंडी. Place मतलब के जगह. भाई खरगोश ने खुद से कहा ये सोने के लिए बेहतरीन और ठंडी जगह है. Then he hopped right onto the bucket. Hopped कहते हैं छलांग लगाने को भी कह सकते हैं, उछलना या कूदना. फिर उसने बाल्टी में छलांग लगा दी. बकेट मतलब के बाल्टी. फिर उसने बाल्टी में छलांग लगा दी. Now Red Rabbit was quite heavy, much heavier than the bucket full of water lying at the bottom of the well. Quite कहते हैं कदरे, heavy कहते हैं भारी को. अब भाई खरगोश कदरे भारी हो गया था निचले हिस्से में लटकी हुई पानी वाली बाल्टी से भी ज्यादा भारी. When he jumped into the empty bucket, empty कहते हैं खाली को. जब उसने खाली बाल्टी में छलांग लगाई it plummeted right down to the bottom of the well. बाल्टी तेजी से कुएं के निचले हिस्से की जानिब चली गई. Red Rabbit hung onto the sides of the bucket and surprisingly saw the second bucket whiz past him. Hung कहते हैं लटक गया, sides मतलब के तरफ, और surprisingly कहते हैं हैरानी को. भाई खरगोश बाल्टी के अतराफ पर लटक गया और हैरानी तौर पर अपने पास एक और बाल्टी को यानी कि दूसरी बाल्टी को देखा या पाया. Red Rabbit had never been so terrified ever before. Ever before कहते हैं इससे पहले. Terrified मतलब के खौफजदा. भाई खरगोश इससे पहले कभी इतना खौफजदा नहीं हुआ था. Red Rabbit's bucket landed with a big heavy splash in the water and it bobbed on the surface of the water in the well. Landed कहता है गिरी या पहुंची. Heavy splash मतलब के बहुत तेजी से. Splash कहते हैं छींटे उड़ाते हुए water पानी में. Bobbed कहते हैं तेजी तैरने लगी. ठीक है. Surface कहते हैं सतह को. भाई खरगोश की बाल्टी तेजी से छींटे उड़ाती हुई पानी में जा गिरी और कुएं के पानी के सतह पर तैरने लगी. Red Rabbit was afraid to move for he feared that the bucket might tip over and then he would definitely fall into the water. Red Rabbit डर गया यानी भाई खरगोश डर गया. Afraid कहते हैं डर गया कि अब वो जरा सा भी हिला तो उसकी बाल्टी पानी में गिर जाएगी. Definitely fall, definitely fall के जरूर गिर जाएगी. Extremely frightened, he lay at the bottom of the bucket wondering what would happen next. Extremely कहते हैं शदीद को. फ्राइट मतलब के खौफ ज्यादा. शदीद खौफ में वो बाल्टी में बैठ गया और सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा. Now Red Fox had been watching Red Rabbit all morning and he had quietly followed him. अब भाई लूमर सुबह से भाई खरगोश को देख रहा था
उसने उसका पीछा किया, फॉलोड मतलब के पीछा। When Brother Rabbit jumped into the bucket, जब भाई खरगोश ने बाल्टी में छलांग लगाई और कुएं में गायब हो गया, and disappeared down the well, कुएं में गायब हो गया। Brother Fox wondered, भाई लूमड़ ने सोचा, when he was up to, कि वो क्या करने का इरादा रखता है। He was certain that Brother Rabbit had hidden a lot of money and gold in the well. उसको यकीन था, certain कहते हैं यकीन को, hidden मतलब कि छुपाना। उसको यकीन था कि भाई खरगोश ने बहुत सारा पैसा और सोना कुएं में छुपाया हुआ है। Now page number 15. Brother Fox crept up to the well. Crept कहते हैं चक्कर लगाना। भाई लूमड़ ने कुएं का चक्कर लगाया। He put his ears against the wall of the well, trying to hear some sound. Sound कहते हैं आवाज को, trying मतलब के कोशिश करना। उसने कुएं की दीवार के साथ कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश की। Since he could not hear anything, he peered into the well, but he could neither see nor hear anything. Peered का मतलब होता है झांका। चूंकि वो कुछ ना सुन सका तो उसने कुएं में झांका, पर वो ना कुछ देख सका और ना ही कुछ सुन सका। Hear कहते हैं सुनने को, see मतलब देखना। Brother Fox's curiosity made him shout, Brother Rabbit, what you doing at the bottom of the well? Curiosity कहते हैं बेचैनी को। भाई लूमर की बेचैनी ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया या मजबूर किया। Brother Rabbit, भाई खरगोश, what you doing? के तुम कुएं में क्या कर रहे हो? Hearing Brother Fox, Brother Rabbit immediately thought of another bright idea. भाई लूमर को सुनते ही भाई खरगोश को एक फौरन दूसरा ख्याल सूझा। I am fishing, मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ। There are some large fish here, यहाँ बड़ी बड़ी मछलियां हैं। Shouted back Brother Rabbit joyfully, भाई खरगोश खुशी से चलाया। How many fish are there, वहाँ कितनी मछलियाँ हैं? Asked Brother Fox, भाई लूमर ने पूछा। The fox felt that the rabbit was not fishing but actually counting his money and gold coins. भाई लूमर को महसूस हुआ, felt कहते हैं महसूस हुआ, के खरगोश मछलियां नहीं पकड़ रहा बल्कि वहां अपने पैसे और सोने को गिन रहा है। काउंटिंग कहते हैं गिनना। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ देम, बेतहाशा, क्राइड ब्रेड रैबिट, भाई खरगोश चलाया। व्हाई डोंट यू आल्सो जॉइन मी, तुम क्यों नहीं मेरे साथ शामिल हो जाते? Brother Fox quickly decided to go down into the well and get some of Brother Rabbit's treasure. Treasure कहते हैं खजाने को, quickly मतलब कि जल्दी से, फैसला decided कहते हैं फैसला करना। भाई लूमर ने जल्दी से कुएं में जाने का फैसला किया और भाई खरगोश के खजाने से सोना लेने का। How should I go down there? Asked Brother Fox. भाई लूमर ने पूछा, मैं नीचे कैसे आ सकता हूँ? Brother Rabbit smiled. भाई खरगोश मुस्कुराया। He knew that the fox was heavier than he was, and if Brother Fox jumped into the empty bucket at the top, it would come down and his bucket would go up.
उसे पता था कि लूमर खरगोश से ज्यादा भारी है और अगर भाई लूमर खाली बाल्टी में छलांग लगा दे तो उसकी बाल्टी नीचे चली जाएगी और मेरी बाल्टी ऊपर की तरफ आ जाएगी। सो ही सेड, तो उसने कहा, जस्ट जंप इनटू द बकेट, बस बाल्टी में छलांग लगा दो। ब्रेड फॉक्स जंप्ड इनटू द एम्प्टी बकेट एंड डाउन ही वेंट इनटू द वेल। भाई लूमर ने खाली बाल्टी में छलांग लगा दी और वो कुएं में नीचे चला गया। As the fox bucket was going down, he saw the rabbit's bucket shoot past him. जैसे ही लूमर की बाल्टी नीचे जा रही थी तो उसने देखा कि खरगोश की बाल्टी तेजी से उसके साथ गुजरी है। Wondering why the rabbit's bucket was going upwards, he heard Brad Rabbit shout goodbye Brad Fox. सोचते हुए कि खरगोश की बाल्टी ऊपर क्यों जा रही है, अपन कहते हैं ऊपर की तरफ जाना, ऊपर क्यों जा रही है, तो उसने खरगोश को चलाते हुए सुना, हेयर मतलब सुना, शॉर्ट मतलब के चलाते हुए, गुड बाय खुदा फेस ब्रेड फॉक्स भाई लूमर। व्हेन ब्रेड रैबिट रीच द टॉप सेफली, सेफली मतलब के बाहिफाजत या हिफाजत से, ही शाउटेड डाउन टू ब्रेड फॉक्स। जब भाई खरगोश की बाल्टी बाहिफाजत ऊपर पहुंच गई तो वो नीचे भाई लूमर की तरफ चलाया, भाई लूमर से चलाया, देयर इज अ हंटर कमिंग अलोन टू ड्रिंक वाटर ब्रेड फॉक्स। हंटर कहते हैं शिकारी को, के एक शिकारी यहाँ पानी पीने आ रहा है भाई लूमर। When he pulls up your, pulls मतलब होता है खींचना, bucket thinking it's filled only with water, you did better run away as fast as you can. Now page number 16. Then Brad Rabbit quickly hopped back to the garden patch to join the others at work. He pretended as if nothing had happened. फिर भाई खरगोश जल्दी से बाग में वापस उछलता हुआ पहुंचा ताकि दूसरों के साथ शामिल होकर काम कर सके। उसने ऐसे जाहिर किया, प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना या जाहिर करना, उसने ऐसे जाहिर किया या दिखावा किया जैसे कुछ भी नहीं हुआ। When the thirsty hunter pulled, pulled का मतलब होता है खींचना, up the bucket ऊपर की तरफ, बाल्टी बकेट को कहते हैं बाल्टी, a wet भीगा हुआ, and nervous डरा हुआ, Brad Fox sprang out and ran for his life before the hunter could shoot him down. जब प्यासा शिकारी कुएं के पास पहुंचा और बाल्टी को ऊपर खींचा, एक भीगा हुआ और डरा हुआ यानी कि परेशान सा भाई लूमर बाहर निकला और अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा, इससे पहले कि शिकारी उसको मार दे। A little later, when Brad Fox also joined the others, he frowned at Brad Rabbit, who only smiled back happily at him. थोड़ी देर बाद जब भाई लूमर दूसरों के पास गया या शामिल हुआ और उसने फ्रॉन्ट कहते हैं गुस्से से खरगोश की तरफ देखा, जो के जवाबन खुशी से उसकी तरफ मुस्कुराया।
स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको इसकी ट्रांसलेशन समझ आ गई होगी। आपने इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।